गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, हियर आई एम अगेन विथ चैप्टर 11 स्नो एंड चॉकलेट्स टू कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज। टुडेज टॉपिक इज लेट्स टॉक। लेट्स टॉक मीन्स वी हैव टू टॉक ईच अदर। एक्चुअली वी आर नॉट इन द क्लास रूम, सो वी विल ट्राई टू टॉक। बच्चों, आपस में बोलने से, बच्चे जब अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं तो वे फ्लुएंट बोलना सीखते हैं, वो इंग्लिश हो या हिंदी। बोलना आना चाहिए, इसके लिए बार बार किसी चीज़ को बोलने का अभ्यास अच्छे तरीके से सही उच्चारण के साथ होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए ज़रूरी है कि आप जो बातें आपके मन में आते हैं उन्हें सही सेंटेंस के साथ कैसे बोलें, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसा ही करेंगे, जिसमें एक सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करेंगे इस बात को बोलकर प्रैक्टिस करना है। वैसे तो ये काम क्लास में आप टीचर के साथ या अपने दोस्तों के साथ कर सकते थे तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर के किसी छोटे या बड़े भाई बहन, माँ माता पिता, या फिर कुछ नहीं तो आईने के सामने खुद को ही अपना फ्रेंड मानकर जो भी मन में बातें आती है आप उसे बार बार दोहराएंगे, जिससे आपका प्रोनंसिएशन क्लियर होगा और आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे। आज आपके इसी प्रैक्टिस के लिए कुछ सिचुएशंस यहाँ दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसके आधार पे आपको कुछ सोचना है और फिर उसे बोलना है। बोलने की प्रैक्टिस आप घर पे खुद करेंगे, लेकिन पहले सिचुएशंस को सोच लें। यहाँ 5 सिचुएशन दिया गया है। नंबर 1, फाउंड 100 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। ऐसा मौका जिस समय आपको 100 रुपये का नोट ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला। फाउंड अ मैजिक लैम्प विथ अ जीनी इनसाइड इट। आपको एक मैजिक लैम्प, जीनी उसके अंदर है, वो मिला। गॉट द चांस टू ट्रैवल टू स्पेस। आपको एक ट्रैवल स्पेस पे जाने का मौका मिला। वोक अप फ्रॉम ए नैप एंड फाउंड योर सेल्फ 10 ईयर्स ओल्डर। कभी ऐसा सोचो कि आप एक नींद से उठे और खुद को पाया कि आप 10 साल बड़े हो गए हो। और अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल होते एक हफ्ते के लिए तो आप क्या करते। इसमें हिंट के तहत दिया गया है कि आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस ही होने चाहिए। वुड यू डू इफ़ यू, तो आपका आंसर आई वुड, आई विल, आई एम, आई विल, आई गेस, आई वुड, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स के साथ शुरू हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ 2 एग्ज़ाम्पल लिए बनाया है। आप चाहें तो इसे ही बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी अच्छी तरह बोलेंगे आपका बोलने की कला आप में अच्छे से आती जाएगी, आप में फ्लुएंसी आएगी और आप इंग्लिश बोलने में हेजिटेट कम करेंगे। मैंने सिचुएशन लिया है फाउंड 100 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। इफ आई फाउंड 100 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड आई वुड पिक इट अप एंड गिव इट टू माई मदर टू हेल्प एनी पुअर पीपल। इस चीज़ को, वो सिचुएशन के हिसाब से मैं क्या करती, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा और इसे जैसे मैंने पढ़ा आप भी बार बार पढ़ेंगे, या इसे अपने तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा वही आप और क्या सोचते हैं कि अगर ऐसा 100 रुपया मिले तो आप क्या करते। आपके मन में जो बातें आती हैं आप उसे भी कर सकते हैं। मैंने आंसर में लिखा कि अगर मुझे 100 रुपये का नोट ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता तो मैं उसे उठा लेता और मेरी मम्मी को दे देता ताकि वो किसी गरीब आदमी की मदद कर दे। उसके बाद है फाउंड अ मैजिक लैम्प विथ अ जीनी इनसाइड इट। इफ़ आई फाउंड अ मैजिक लैम्प विथ अ जीनी इनसाइड इट आई विल मेक इट
make him friend of mine and ask for help me. अगर मुझे जीनी मिल जाती, जीनी एक मैजिक लैम्प मिलता जिसमें जीनी भी होते, तो मैं उसे अपना दोस्त बना लेती और फिर उससे मैं अपनी मदद करवाती। इस तरह की बात। आपके दिमाग में और भी कुछ बातें आ सकती है, आप उसे सोचिए, आप उसे बोलिए। कुछ ऐसे ही सिचुएशंस को लेकर मैंने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस, कुछ छोटे पैराग्राफ्स बना के वर्कशीट में लिंक टू में डाल रखा है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही टोटली छोड़ दिया है, मोस्ट प्रोबेबली इसको हम लोग असाइनमेंट के तहत भी लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे स्टूडेंट्स।